देखिए, एनएचपीसी में ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है और करेक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये संभल रहा है। तो ये जो संभल रहा है, तो संभलने के बाद क्या होगा? मेरे हिसाब से 88 का यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। 88 का सप्लायर था, ये अभी 88 का सप्लायर पूरा एब्सॉर्ब हो चुका है और ये अपने नए टारगेट्स को खोज रहा है। मेरे हिसाब से एनएचपीसी का जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 100 के आसपास, 100-105 ये इसकी रेंज है। तो एनएचपीसी बाय का ही ट्रेड होगा। 88 के ऊपर हम इसे बाय की सलाह देंगे, स्टॉप लॉस होगा 84 का। ओके तो बिलाल जी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको राजेश जी ने बताई कैसे रखनी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कंपनी आपकी दोनों बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पीएसयूज हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत चले थे, थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस में बहुत काम हो रहा है और सरकार चाहती भी कि गैस की इकोनॉमी बढ़े, तो फिर गेल जैसे प्लेयर्स उसमें सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि गेल का काम ही है ट्रेडिंग करना। पेट्रोकेमिकल में भी अभी आ चुके हैं, तो एक कंप्लीट कंपनी है ये। और एनएचपीसी ने एक लंबी जर्नी दिखाई है, उसके बाद एक करेक्शन हुआ जैसे राजेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन समय लगेगा इन दोनों में, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनीज बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप होल्ड कर सकते हैं इनको। चलिए अगला सवाल लेते हैं इंद्रजीत का, हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे चल रहा है सर? थोड़ा सा टेंशन में हूँ सर। पहले पहले ट्रेडिंग किया था, हाँ मार्केट में घुस गया था और पता नहीं कैसे ले लिया कुछ स्टॉक, मुझे लग रहा था एशियन पेंट, मैंने घुस गया उसमें। हाँ और बात में तो वो आया था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने आया था, लेकिन मैं निकला नहीं तो रह गया वो, मतलब ऐसे ही। तो बहुत ही लॉस चल रहा है सर, अभी क्या करें। उसका मार्केट में उसका कंपिटिटर भी है, हाँ तो ऐसा ना मैं उठा ला इसलिए नहीं चाह रहा हूँ सर। ऐसे उठा के ऐसा ना है कि मैं उसमें एफएनओ कर दूँ, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ फुल टाइम, तो गलत अच्छा ना कर दूँ इसके लिए सर। तो उसको रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही लॉस चल रहा है ना, ऐसे 70,000 के आसपास लॉस है सर, क्या करें सर उसको। बड़ा टॉप पे ले लिया है राजेश जी। ये देखिए क्लासिक केस है, आपने कहा एशियन पेंट में करेक्शन आया है तो इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, लेकिन इंद्रजीत जी ट्रेडर हैं, इन्होंने 3423 पे लिया है, एकदम टॉप पे जाके लिया, अब आ गया 2800, 600 रुपये करीब नीचे है, क्या करें ये? नीरज जी, हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी न्यूज हमेशा टॉप पे आती है और बुरी न्यूज हमेशा बॉटम पे आती है। तो मेरे हिसाब से जितना भी बुरा सुनना था मैंने सुन लिया एशियन पेंट के बारे में। अभी इससे ज्यादा बुरा मुझे तो नहीं लगता है, इमीडिएट बेसिस पे कुछ होगा, थोड़ा फैक्टर्ड इन है, डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो मेरे हिसाब से तो ये क्लियर कट होल्ड है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ नीरज जी, तो 2800 के आसपास 200 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हम जनरली 200 डेज की बात करते हैं, मैं यहाँ पे 200 वीक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 2800 के आसपास, और यहाँ से एक मुझे लगता है रिलीफ रैली आनी चाहिए, प्रोबेबली अप्रैल मई में आएगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 3100 का, 3100 3200। तो देखिए ये लेवल बढ़िया है, ऑब्वियसली इस लेवल पे तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा आपका जैसे मैंने कहा 2800 के नीचे, एटलीस्ट 40-50 पॉइंट, लेकिन मुझे नहीं लगा वो हिट होगा, काउंटर ठीक है।